नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 19 जनवरी है, ये तारीख जुड़ी है एक ट्रिब्यूनल से जिसके तहत युद्ध अपराध के आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया गया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा दी गई। कौन थे वो दोषी, ये ट्रिब्यूनल टोक्यो में क्यों बना था और अकल्पनीय युद्ध अपराधों के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार जापान के सम्राट को इससे छूट क्यों दे दी गई, पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। अगस्त 1945 में जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा। विभत्स तबाही मची, जापान ने आत्मसमर्पण करने का ऐलान कर दिया। सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया, लेकिन विश्व युद्ध की विभीषिका खत्म नहीं हुई थी। युद्ध के सताए लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा को एक सहारे की दरकार थी। इसके लिए सबसे जरूरी था कि विश्व युद्ध के दोषियों को सजा दी जाए। इसके लिए प्रोसेस तय किया गया, नियम बनाए गए, न्यूरेमबर्ग में अदालत बिठाई गई। नरसंहार समेत कई अन्य युद्ध अपराधों के लिए नाजियों पर मुकदमा चला और उन्हें सजा हुई। फिर सजा पर अमल किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी का पिछलग्गू दोस्त था जापान, उसने भी अपने पड़ोसी देशों में भयंकर अत्याचार मचाया था, तो जापान वाले मामले में भी न्याय जरूरी था। इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई जनरल डगलस मैकार्थर को। वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना के सुप्रीम कमांडर थे। मित्र राष्ट्रों की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लंबे समय तक फिलीपींस में भी काम किया था और इसीलिए वो इस क्षेत्र के दांव पेच से वाकिफ थे, यानी कि एशिया पैसिफिक के। दरअसल मित्र राष्ट्र जापान में ट्रिब्यूनल बनाए जाने को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे, उनमें एक राय बन नहीं पा रही थी। ऐसे में मैकार्थर ने ही बीड़ा उठाया। उन्होंने 39 संदिग्धों की लिस्ट निकाली और सबकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इनमें से अधिकतर प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो के कैबिनेट के मंत्री थे। फिर सैनिकों की स्पेशल टुकड़ी बनाई गई और उन्हें मिशन पर लगाया गया। इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद क्या, इसके लिए जनरल मैकार्थर ने पूरी प्लानिंग की। फिर आई 19 जनवरी 1946 की तारीख। इस दिन उनका प्लान धरातल पर आया एक विशेष आदेश के तौर पर। इसमें केस चलाने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना का ऐलान किया गया था। पूरा ब्लूप्रिंट, मसलन ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा, जज कैसे नियुक्त होंगे, किन अपराधों में मुकदमा चलेगा और क्या सजा होगी आदि आदि। अधिकतर प्रक्रिया न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स की तर्ज पर ही चली। इस ट्रिब्यूनल को नाम दिया गया इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट, IMTFE। इसी को टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल या टोक्यो ट्रिब्यूनल्स के नाम से या टोक्यो ट्रायल्स के नाम से जाना गया। इन ट्रायल्स में 11 जज नियुक्त किए गए। इनमें से 3 एशियाई थे। भारत से राधा विनोद पाल को नियुक्त किया गया था। एक वेब सीरीज है टोक्यो ट्रायल, इसी ट्रिब्यूनल की कहानी पर बेस्ड है। इसमें इरफान खान ने राधा विनोद पाल की भूमिका निभाई है। विस्तृत समझ के लिए आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। 3 मई 1946 को ट्रायल शुरू हो गया। 28 आरोपियों पर मुकदमा चला। अगले 2 बरस तक तर्क वितर्क हुए। 4 नवंबर 1948 को ट्रायल खत्म हुआ। तब तक 2 आरोपियों की मौत हो चुकी थी और एक मानसिक तौर पर पागल हो चुका था। बाकी बचे 25, इनमें से 7 को मौत की सजा हुई। इनमें से 2 जापान के प्रधानमंत्री रह चुके थे, जनरल हिदेकी तोजो और कोकी हिरोता। 16 को आजीवन कारावास हुआ, जबकि बाकी 2 को 20 और 7 साल की कैद की सजा मिली। इसराइल के बाद भी अमेरिकी सरकार पर कई दोषियों को बचाने के आरोप लगे। इनमें से सबसे खास नाम था जापान के सम्राट हिरोहितो। उन्हें टोक्यो ट्रायल से दूर रखा गया, जबकि उनकी भूमिका सबसे अहम थी। इसके पीछे डगलस मैकार्थर ने तर्क दिया कि सम्राट के बचे रहने से जापान के लोग आसानी से हार को स्वीकार कर लेंगे और इसी के आधार पर जापान में डेमोक्रेसी का रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे भी अमेरिका को इसमें एक वफादार सहयोगी की दरकार थी। टोक्यो ट्रायल के बाद कई और ट्रायल्स भी चले। इसमें निचले स्तर के जापानी अधिकारियों को सजा सुनाई गई। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।